हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो दोस्तों, आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन रेक्स का थीम सॉन्ग चेंज हो चुका है और रोमन ने डैनियल ब्रायन का करियर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन से खत्म कर दिया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शुरू किया स्मैकडाउन की वुमेन चैंपियन बियांका ब्लेयर ने, पर इससे पहले वो फैंस को वेलकम कर पाती उन्हें इंटरप्ट किया स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियंस द डर्टी डॉग्स यानी कि डॉल्फ ज़िगलर और रॉबर्ट रूड की टीम ने, और फिर उन दोनों के लिए द स्ट्रीट प्रॉफिट की टीम आ गई और आखिर में बेली ने आकर माइक छीन लिया बियांका ब्लेयर से। और इसी बियांका ने गुस्से में आकर एक थप्पड़ बेली को मारकर इन छहों के बीच ब्रॉल की शुरुआत कर दी और इसके बाद सिक्स पर्सन मिक्स टैग टीम मैच हुआ बियांका और स्ट्रीट प्रॉफिट की टीम का बेली और द डर्टी डॉग्स की टीम के साथ। और इस मैच के आखिर मोमेंट्स में रॉबर्ट रूड का पिनफॉल करवाकर मॉन्टेस फोर्ड ने उनकी टीम को जीत दिलवा दी। और इसके बाद बैकस्टेज में डैनियल ब्रायन ने कहा कि वो आज रात रोमन रेक्स को हराकर यूनिवर्सल चैंपियन बन जाएंगे और वो सबसे पहला टाइटल मैच सिजारो को देंगे। और सेथ रॉलिंग्स ने बैकस्टेज में कहा कि उन्हें भी ऐसा लगता है कि रोमन और डैनियल ब्रायन के मैच में डैनियल जीतेंगे, लेकिन सेथ ने आगे कहा कि वो सिजारो को अगले हफ्ते स्मैकडाउन में इतना पीटेंगे कि वो यूनिवर्सल टाइटल का मैच ले ही नहीं पाएंगे। और उन्होंने सिजारो को सिंगल्स मैच के लिए चैलेंज कर दिया अगले हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के लिए। और इसके बाद मैच हुआ वुमेन्स टैग टीम चैंपियंस नाया जैक्स और शाइना बेजदर का तमीना और नेटालिया की टीम के साथ, और तमीना ने शाइना बेजदर का पिनफॉल करवा के एक नॉन टाइटल टैग टीम मैच में उनकी और नेटालिया की टीम को जीत दिला दी। और बुकर्टी ने प्रेडिक्शन दी कि रोमन रेक्स और डैनियल ब्रायन के मैच में रोमन रेक्स जीतेंगे। दोस्तों, इसके बाद एलिस्टर ब्लैक का फिर इस हफ्ते स्मैकडाउन में एक डार्क सेगमेंट फैंस को देखने मिला और डोमिनिक और रे मिस्टीरियो ने बैकस्टेज में कहा कि वो दोनों WWE में इतिहास बनाना चाहते हैं, पहले फादर सन टैग टीम चैंपियन बनकर। और जेवियर वुड्स ने डैनियल ब्रायन को सपोर्ट किया, पर कोफी किंगस्टन ने कहा कि रोमन जीतेंगे जेउसो की मदद से। और इसके बाद इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच फैंस को देखने मिला बिग ई और चैंपियन अपोलो क्रूज के बीच में, पर इस मैच में एक बार फिर कमांडर अजीज ने इंटरफेयर करके मैच को डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म करवा दिया और बिग ई की मदद करने केविन ओवेंस भी आ गए, पर केविन ओवेंस पे सैमी ज़ेन ने आकर अटैक कर दिया, लेकिन कमांडर अजीज ने सैमी ज़ेन को उल्टा पीट दिया। दोस्तों, इसके बाद द मिज ने कहा कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन रेक्स से कोई भी यूनिवर्सल चैंपियनशिप नहीं छीन सकता। और बैरन कॉर्बिन ने कहा कि जब इस हफ्ते रोमन डैनियल ब्रायन को हरा देंगे तो डैनियल ब्रायन को उनका बैग पैक करके स्मैकडाउन से हमेशा हमेशा के लिए जाना पड़ेगा। और इसके बाद फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का मेन इवेंट हुआ द हेड ऑफ द टेबल द ट्राइबल चीफ रोमन रेक्स का द यस मोमेंट के लीडर डैनियल ब्रायन के साथ यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। दोस्तों, इस मैच में हमने सुना कि रोमन रेक्स का थीम सॉन्ग चेंज हो चुका है। वैसे दोस्तों, आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपको रोमन का पुराना थीम सॉन्ग ज्यादा अच्छा लगा था या ये थीम सॉन्ग आपको ज्यादा अच्छा लगा। दोस्तों, इस मैच के दौरान डैनियल ब्रायन लगातार रोमन का हाथ इंजर्ड किए जा रहे थे और जब रोमन ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की डैनियल ब्रायन के ऊपर, तो डैनियल सामने से हट गए और उल्टा रोमन के ऊपर बैरिकेड टूट गया। पर मैच के आखिर मोमेंट्स में रोमन ने दो पावर बॉम्ब और गिलेटिन चोक देकर बेहोश कर दिया डैनियल ब्रायन को और रोमन ने रिटेन कर लिए उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और मैच के बाद रोमन ने डैनियल के सर पे चेयर शॉट्स मारना चाहा, लेकिन उन्हें बचाने सिजारो आ गए और उन्होंने आकर अटैक कर दिया रोमन के ऊपर, लेकिन सिजारो को संभालने जेउसो आ गए और सिजारो को रिंग रोप में फंसाकर उनके सामने रोमन ने चेयर शॉट्स मारे डैनियल ब्रायन को। और ऐसे आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन खत्म हो गया और इसी के साथ डैनियल ब्रायन का स्मैकडाउन का करियर भी खत्म हो चुका है। वैसे दोस्तों, आपको आज के स्मैकडाउन का कौन सा सेगमेंट या फिर कौन सा मैच सबसे अच्छा लगा कमेंट करके मुझे बताएं, और आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मैं आपसे जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय।